Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicare Buddy. The video that I'm going to share with you today is of donovanosis. Okay, donovanosis is an ulcerative disease hai which is caused by klebsella granulomatis. Friends, this is a disease and there are many diseases like mumps, smallpox. प्लेग जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई है एंड आई हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ ऑल दोज वीडियोज और वो आपको प्ले लिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे तो प्लीज़ एक बार प्ले लिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा उसमें मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के और भी बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करके वीडियोज़ बनाए हुए हैं ठीक है तो डोनो वायानोसिस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एक अल्सरेटिव डिजीज होती है जो कि जेनाइटल एरिया को मोस्ट प्रोमिनेंटली इफेक्ट करती है एंड इट इज कॉज्ड बाई क्लेप्सेला ग्रेन्युलोमैटिस इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम इसके बात करें तो वन वीक्स टू थ्री मंथ्स होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स नाइंटी परसेंट जो लीज़न्स होते हैं ये जेनाइटल एरिया में बनते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज ल्सरेटिव लीजन ऑफ जेनाइटल्स एंड बिगिन कैसे करता है शुरुआत में वो एक सबक्यूटेनस न्यू नोड्यूल के फॉर्म में होता है ठीक है और उसके बाद वो नोड्यूल रैप्चर करता है और वहाँ से बीफी रेड वेलवेटी अल्सर ठीक है बिल्कुल रेड बीफ जैसा पेनलेस अल्सर प्रोड्यूस होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है ऑन टच ठीक है नाउ दैट वी आर डन विथ अंडरस्टैंडिंग इट्स डेफिनेशन एंड क्लिनिकल फीचर अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल टाइप्स पे तो बेसिकली यहाँ पर चार टाइप्स के दोनों वेनोसिस के अल्सर होते हैं फर्स्ट वन इज अल्सरेटो ग्रैनुलोमैटस टाइप जिस जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है ठीक है यहाँ पर एक अल्सर का फॉर्मेशन होता है जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था बट द नेक्स्ट वन इज हाइपर ट्रॉफिक टाइप यहाँ पे क्या होता है हाइपर ट्रॉफी मतलब जो सेल्स हैं उनमें ओवर ग्रोथ देखने को मिल रही है एक्स्ट्रा सेल्स वहाँ पे प्रोड्यूस हैं तो वो एक्स्ट्रा सेल्स एक कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है मार्जिन बना देती है ऑन द अल्सर द नेक्स्ट वन इज नेक्रोटिक टाइप नेक्रोटिक टाइप में अल्सर जो होता है उसमें नेक्रोसिस होने लगती है और स्क्लेरोटिक टाइप में वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है ठीक है फॉलो अप की अगर हम बात करें तो आफ्टर टोटल क्लियरेंस प्रोलॉन्ग फॉलो अप टू द पीरियड ऑफ रिकरेंस दैट इज वन ईयर हमें अगर ये पर्सन ठीक हो गया है उसके बाद भी वन ईयर तक उसको फॉलोअप में रखना चाहिए बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंस कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कई बार टीबिया जो बोन है दैट बिकम्स एफेक्टेड इन द केस ऑफ डोनो वैनोसिस सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट डोनो आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैंने ये वीडियो स्पेशली ए पी आई की टेक्स्ट बुक से बनाया है इट हैज टू मी टाइम टू मेक इट हार्डवर्क टू मेक इट और ये वर्थ इट तब ही होगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करोगे एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी फॉर अपकमिंग अपडेट्स थैंक यू